22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर फरीदाबाद पुलिस भी हुई अलर्ट। देखिए क्या कहा पुलिस प्रवक्ता सुबे सिंह ने। इस संबंध में फरीदाबाद पुलिस पहले से ही अलर्ट है। जो प्राण प्रतिष्ठा के बारे में आप बात कर रहे हैं, इसमें विभिन्न समुदाय और जो हमारे हैं, जो दल है, बजरंग दल है, विश्व हिंदू परिषद है, या जो कोई भी अपनी आस्था में जो रखने वाले जो लोग हैं, कोई मंदिरों में अपनी शोभा यात्रा या कलश यात्रा या कोई भंडारा, इस तरह की जो भी चीजें कर रहे हैं, इस संबंध में पुलिस अलर्ट है पहले से ही। और जहाँ की इस तरह की कोई भी प्रोग्राम या यात्राएं होंगी, उसमें पूरी सुरक्षा का ध्यान रखा जाएगा। जो ट्रैफिक व्यवस्था है उसका भी ध्यान रखा जाएगा, आमजन का भी ध्यान रखा जाएगा। और इसमें ताकि कोई भी इसी तरह की कोई अप्रिय घटना हो, तो इसमें ड्यूटीज पहले से लगाई हुई हैं, जिसमें हमारी क्राइम ब्रांच भी रहेंगी जो सिविल डिवीजन में, ताकि कुछ जो असामाजिक तत्व हैं उन पर निगाह रख सकें। बाकी जो हमारे जो पुलिस स्टेशन है, सभी थाना प्रबंधक चौकी प्रभारी, उनको डायरेक्शन दी गई है माननीय पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा कि इसमें वो अलर्ट रहें अपने अपने क्षेत्र में, और जहाँ जहाँ भी इस तरह के कोई प्रोग्राम मंदिर में या कहीं पे कोई यात्रा निकल रही तो उस बारे में अलर्ट रहेंगे, विजिलेंट रहेंगे, और उसमें जो भी आवश्यकता अनुसार अगर कहीं जरूरत पड़ती तो कार्रवाई। क्या परिषद का जो रूल हिस्सा होगी उसको लेकर कोई स्पेशल अलर्ट जारी किया गया है, या इस तरह की तैयारियां बड़े पैमाने पर यात्रा है? ये तो रूट डाइवर्जन का तो जिस लेवल पे है कि कितना ग्रुप है, कोई जो यात्रा निकल रही है राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के संबंध में, कौन ग्रुप कितनी बड़ी यात्रा निकाल रहा है, उसमें जो लोकल जो थाना प्रबंधक है उसके एरिए से जो निकल रही है, उसमें उसी हिसाब से सुरक्षा के जो व्यवस्था की जाएगी, और ट्रैफिक रूट भी वैसे ही देखा जाएगा कि क्या है क्या नहीं, किस किस लेवल का है, जो जिन्होंने पहले से बताया हुआ है पुलिस को हम यहाँ से यहाँ रूट करेंगे। दूसरा, जो मंदिर में भी कुछ जो से कुछ जागरण या कोई भंडारा इस तरह का, उसमें भी सभी को डायरेक्शन दी गई है। क्योंकि माहौल पिछले दिनों खराब रहा था हिंसा की वजह से, इसमें जो वहाँ से ऊपर से जो भी निर्देश है कि भाई इस चक्र में, इसमें जो पास्ट में जो कुछ हुआ था उसमें अलर्ट रहने की जरूरत है। पुलिस पहले से अलर्ट है 26 जनवरी के चलते भी और सोलपुंड मेले के भी, और इसमें एक्स्ट्रा अलर्ट है कि इसमें किसी तरह की कोई ऐसी बात ना हो। खबरों की विस्तार से जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और क्लिक करें बेल आइकन पर, ताकि कोई भी खबर आपसे अछूती ना रह सके।